ओम शांति। हम सभी बाबा के महान बच्चों पर ऊपर से बाबा की सदा ही नजर रहती है। बाबा हमें विश्व की स्टेज पर प्रख्यात करना चाहते हैं। बाबा चाहते हैं कि मेरे बच्चे लाइट हाउस माइट हाउस बनकर संसार का कल्याण करें। उनकी नजर तो हम पे है ही, लेकिन क्या हमारी नजर भी हम पे है? हमारी ऐसी नजर जो हम अपने को पहचान सकें कि मुझे कहाँ कहाँ कोई व्यर्थ या निगेटिव संकल्प चलता है, कहाँ कहाँ मेरा टाइम वेस्ट होता है, कहाँ कहाँ से समय बचाकर हम श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर सकते हैं, कौन सी कमी हम में है, इस पर नजर रहनी चाहिए। जो मनुष्य अपनी कमियों को जानता है और उनको निकालने के लिए तत्पर रहता है, वास्तव में उन्हें बाबा की बहुत ज्यादा मदद मिलती है और वे उस कमी से मुक्त हो ही जाते हैं। हमें याद रखना है, हमारे अंदर संपूर्ण परिवर्तन शक्ति है। हम जिस चीज को चाहें अपने अंदर, जिस संस्कार को चाहें परिवर्तन कर सकते हैं। जरूरत केवल इस चीज की है कि हमारे अंदर स्वयं को बदलने की दृढ़ इच्छा हो। हम दूसरों को बदलना चाहते हैं, हम चाहते हैं ये बदल जाए, अधिकारी बदल जाए, नेताएं बदल जाए, बिजनेस वाले बदल जाए, हमारे लोग बदल जाए, संबंधी बदल जाए, घर में सुख शांति आ जाए, सब बदल जाए सिवाय मेरे। दूसरे बदलने से घर में सुख शांति नहीं आएगी, अपने चित्त में शांति नहीं आएगी। जब तक हमने स्वयं को नहीं बदला, तब तक हम न तो स्ट्रांग बनेंगे न अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। तो सभी अपनी किसी सूक्ष्म कमी पर आज नजर डालें और उसको भरने का दृढ़ संकल्प करें। मान लो यही कमी है कि सवेरे उठने में आलस आता है। आलस भी योगियों का महान शत्रु है, सवेरे नहीं उठ पाते। जब उठते हैं तो पश्चाताप होता है। सवेरे की मिसिंग बहुत बड़े भाग्य से मनुष्य को वंचित कर देती है। कहाँ एक छोटा सा आलस और कहाँ बहुत बड़ा नुकसान। मुरली के समय भी आलस आता है, चले जाएंगे, अभी मुरली शुरू कहाँ होगी, सब कुछ लेट होता है, सुन लेंगे, रोज तो सुनते हैं, वही तो मुरली है। ये आलस, मन का आलस और तन का आलस, मनुष्य को अलबेलेपन की ओर ले चलता है। कहीं अलबेलापन आलस का कारण बनता है तो कहीं आलस अलबेलेपन को जन्म देता है। हम स्वयं को चुस्त करें और इस कमी को परिवर्तित करें। सोने का समय तो सतयुग में भरपूर मिलेगा। सो तो सारा संसार रहा है, सोते तो अब तक हम आए हैं, अब जग गए हैं तो इस आलस से भी जग जाएं। महान कार्य करने हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है वो आलसी नहीं हो सकते। हम अपनी जिम्मेदारियों को रियलाइज करें, संपूर्ण बनना है। आने वाले भयानक समय में संसार के मनुष्यों को मदद करनी है, प्रकृति को भी वाइब्रेशंस देकर उसे भरपूर करना है। इस जिम्मेदारी को स्वयं महसूस करें तो आलस से मुक्त हो जाएंगे। तो आज चेक कर लें, हम में कोई सूक्ष्म संकल्प की कमजोरी तो नहीं चल रही है, कोई अपवित्रता की कमजोरी तो नहीं चल रही है, मन में कोई क्रोध तो समाया हुआ नहीं रहता है, किसी के लिए बदले की भावना तो हमारे अंतर चित्त में नहीं समाई है। उसको परिवर्तन करके अपने चित्त को पूरी तरह से शांत करेंगे और आज अभ्यास करेंगे। ब्राह्मण सुफरिश्ता सुदेवता
अपने लेफ्ट साइड में देखेंगे मेरा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप, राइट साइड में देखेंगे मेरा विश्व राज्य अधिकारी देव स्वरूप। मैं ब्राह्मण आत्मा इस तन से निकली फरिश्ते स्वरूप में प्रवेश कर ली, कुछ समय के लिए वहां से निकली देव स्वरूप में आ गई, फिर ब्राह्मण स्वरूप में हर घंटे में 2-3 बार इसकी ड्रिल करेंगे तो शाम तक चित्त परमानंद से भरपूर हो जाएगा। ओम शांति।